स्मरण गुजर गई। दुआ मांगो कोई बहन भाई से इस तरह ना बिछड़े जैसे बीबी सुगरा बिछड़ी। वाला परदेश बड़ा सफर है, वतन छोड़ने लगे इमाम हुसैन। अब्बास कहते हैं भाई वतन छोड़ने लगी वो बहनों को साथ लेके ना चढ़ो। वाला कहते हैं दीन तू नहीं बचता। मेरा रहीम अल्लाह उस मेरे मौला के 28 रजब को चलने का वास्ता। परदेश में मेरा भाई है उसकी खैर फरमाना, उसके रिस्क में बरकत अता फरमाना। आज अब्बास का आलम बरामदों में बीबी ज़ैनब आके बैठी है, आज सकाए सकीना आके बैठी है, आज बतूल आके बैठी है। बतूल बीबी का दुआ का समर है। अब्बास मेरी बीबी आपको अपने अब्बास का वास्ता, उठने से पहले इन माओ की खाली झोलियों को भर देना। मेरी बीबी मुझे यकीन है आप आके बैठी हैं, आप पुरसा लेने आई हैं अब्बास का। हमें हिम्मत दे, हमें सर्फ दे, इतनी तौफीक दे जिस तरह आप चाहती हैं आज इस तरह अब्बास का पुरसा दे। मेरी बीबी मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह बीबी जहरा की खाली झोली का वास्ता, इन माओ की खाली छोरियों को भर देना। मेरा रहीम अल्लाह गाजी अब्बास आपके जाने के बाद शदादे असगर को ऐसा तीर लगा, माँ पानी नहीं पी सकी, माँ छाव में नहीं बैठ सकी, यही कहती रही मेरा असगर मारा गया। मैं पानी पीऊं मुझे असगर याद आता है, 6 महीने का शहजादा था, कितना पानी चाहिए था। आज भी गोदों में बच्चे लेके बैठी हैं, आपके बच्चे को प्यास लगे उंगली पे पानी लगाती हैं, बच्चे को पिला देती हैं, बच्चे की प्यास खत्म हो जाती है। हाय मेरे हुसैन का 6 महीने का असगर जो कहता रहा अल्लाह ताश अल्लाह ताश। जितनी मेरी बहनें बगैर बेटों की बैठी हैं, मौला अपने बेटों का मातमी अता कर इनकी खाली झोलियों को भर दे। शहजादा अली अकबर का सदका जो ज़मीन से उतरे, हुसैन के आंखों का नूर खत्म हो गया। जवान बेटे अपने बाप का जोर रोते हैं, अजर को मिना सैयदा शाम गरीबा बीबी ज़ैनब बगैर चादर के। मौला पास आपका आलम अंदर है, मैं किस तरह मेरे भाई ज़ैनब की पढ़ू। मार है अब्बास, बीबी की चादर का नाम है अब्बास। मौला मेरे समेत हर बहन की विदा को सलामत रखना। मेरा करीम अल्लाह अब्बास का सदका इस घर पे रहमतों को नाजिल फरमा। मेरा करीम अल्लाह हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमा। मौला हमें ऐसा अदादार बना जैसा आप चाहते हैं। मेरे मौला मैं नहीं जानती मेरी माओ के दिलों में जहनों में कौन सी परेशानियां हैं, मैं गुनाहगार हूँ आप मौजूदनुमा है। मौला आज इनकी परेशानियों को हल फरमा दो, आज दुआ मांग लो, आज की शब मौला के दसवें की शब। जब कोई खत्म कराया जाए ना, जब कुल हो, जब दसवां हो, जब 40वां हो, जाने वाले बड़े याद आते हैं। आज ज़हनों में करबला को रख के बैठना। मौला आपके जाने के बड़े अरमान, मौला आपके अब्बास के बड़े अरमान, मौला आपकी ज़ैनब के बड़े अरमान, मौला आपकी मासूमा के बड़े अरमान, मौला आपके अली अकबर के बड़े अरमान, मौला आपके शहजादे अली असगर के बड़े अरमान। मौला इस सब में मातम को कबूल हो मंजूर फरमा। सबसे बड़ी दुआ मांगने लगी हूँ, आमीन वाजिब समझ के कहना। मौला वो नगरी दिखा जहाँ 70 कदम पे बहन भाई को मरता देखती रही। दुआ मांगो कोई बहन भाई का लाशा ना देखे, जवान भाई करबला में मरते रहे, ज़ैनब देखती रही कहती रही नदार। मेरे भाई का बचाने वाला कोई नहीं। मौला के भाइयों को सलामत रखे, मौला के भाइयों की जिंदगी करे, मौला के मायके को सलामत रखे।
چلے گئے، سگرا کے لیے مدینہ پردیس بن گیا۔ جب اپنے نہ رہے وہ نگری پردیس بن جاتی ہے، جب پردیس بن جائے اور بڑی مشکلیں آتی ہیں، مولا میرے بھائی کی مشکلوں کو حل فرما، اس کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اس کی بہنوں کے نیک نصیب فرما، اس کی بہنوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، مولا جو اولاد اسے دیا اس کے حق میں بہتر عطا فرما۔ بیماری کربلا کا صدقہ، جسے کوئی بیماری نہیں تھی، کربلا صرف خطبے میں سنا تھا، کالا زینب کی چادر اتر جانی ہے، آئے مولا کا جگر پھٹ گیا، آئے مولا کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس بیمار کا صدقہ، جتنے صفے ماتم پہ بیمار بیٹھے ہیں مولا انہیں شفائے کلی عطا فرما، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ان کے جوانوں کی خیر فرما، ان کے نادانوں کی خیر فرما، انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت قبول عبادت بلند کر، سلامات۔